तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट में बेसिक डिफरेंस क्या है उसका बात किया। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट सीक्वेंशियल सर्किट्स। लास्ट दिन हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात किए। हम लोग आप सीक्वेंशियल सर्किट्स को थोड़ा और समझेंगे किस किस तरह के होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन सर्किट्स में हम लोगों ने कई सारे सर्किट सीखे हैं, बट सीक्वेंशियल सर्किट्स अभी जस्ट हम लोग ये जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सर्किट से डिफरेंट होते हैं। इसमें मेमोरी एक कंपोनेंट होता है और इसका जो आउटपुट है ये प्रीवियस स्टेज के आउटपुट पे डिपेंड करता है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नो एज ऑफ नाउ। सो लेट अस सी एक डिफिनीशन देखते हैं। अभी हम लोग डिफरेंस देख रहे थे, अभी एक डिफिनीशन जैसा देखते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सो इट सेज अ सीक्वेंशियल सर्किट इज अ लॉजिकल सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल्स एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ द पास्ट इनपुट्स, व्हाइल अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट। ओनली ए सिक्वेंशियल सर्किट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट एंड ए स्टोरेज एलिमेंट। द सिक्वेंशियल सर्किट यूज करंट इनपुट वेरिएबल्स एंड प्रीवियस इनपुट वेरिएबल्स विच आर स्टोर्ड एंड प्रोवाइड्स द डेटा टू द सर्किट ऑन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। तो जैसे देखे तो ये डिफिनीशन वही है जो हम लोगों ने अभी तक समझा है, तो इसलिए मैं मुझे लगता है कि हम लोग को डिफिनेशन रटने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर तुम सिक्वेंशियल सर्किट क्या है ये जानते हो, देन इफ समबडी से व्हाट आर सिक्वेंशियल सर्किट, देन यू कैन टेल अबाउट इट कि इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन सर्किट से कैसे डिफरेंस होता है, वही सब चीजों को हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। दिस इज दैट बिकम्स द डिफिनेशन। तो डिफिनेशन के लिए कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम जैसे कहेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट और मेमोरी एलिमेंट ऐड हो गया। तो ये हो गया। तो ये जो हम लोगों ने डिफिनेशन जैसा बोला, ये इट इज नॉट नथिंग न्यू, वी ऑलरेडी न्यू इट। हम लोगों ने इस पे पहले से ही बात किया हुआ है कि ये कैसे डिफरेंस है। तो दो चीजें आ रहा है, एक इसके के इसके सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, मतलब पहले इनपुट क्या था, पहले आउटपुट क्या था, ये इसको याद रखता है मेमोरी एलिमेंट की हेल्प से। देन एक तो हम लोगों ने डिफाइन किया कि सीक्वेंस सर्किट होते क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस सर्किट कॉम्बिनेशन सर्किट का डिफरेंस सीखा। देन वी ट्राइड टू डिफाइन ए सीक्वेंस सर्किट। नाउ वी आर लुकिंग एट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस सर्किट। सीक्वेंस सर्किट कितने तरह के होते हैं, तो मेजर टू क्लासिफिकेशन है इसका। इसमें एक है सिंक्रोनस सर्किट्स और एक है एसिंक्रोनस सर्किट। अब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट में तो कहीं पे ऐसा चीज था नहीं। मतलब एक तो दो चीजें नया जुड़ा है, एक मेमोरी एलिमेंट एक क्लॉक। हम लोगों ने जब डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे थे एट दैट टाइम वी टॉक्ड अबाउट कि सिक्वेंशियल सर्किट्स में क्लॉक होता है और मेमोरी एलिमेंट होता है। तो उसी बेसिस पे हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे कि सिंक्रोनस सर्किट और एसिंक्रोनस सर्किट्स क्या होते हैं। ये सब चीजें आगे जब हम लोग और डिटेल यूनिट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा, इसलिए हमको ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो इन सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट द स्टेट ऑफ डिवाइस चेंजेज एट डिस्क्रीट टाइम इन रिस्पॉन्स टू ए क्लॉक सिग्नल, एंड इन एसिंक्रोनस सर्किट द स्टेट ऑफ डिवाइस चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इनपुट्स। क्या इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम लोग समझें। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, एक तो ये समझ में आ गया जो सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस उसके अलग है, उससे उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या होता है कि स्टेट ऑफ डिवाइस जो आउटपुट का स्टेट है
डिस्क्रीट टाइम में चेंज होता है, मतलब अलग अलग छोटे छोटे टाइम में चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू क्लॉक सिग्नल। जो क्लॉक, अगर कोई सर्किट है उसमें क्लॉक लगा है तो उसके रिस्पॉन्स से उसका आउटपुट चेंज होता है डिस्क्रीट टाइम में। तो इनको हम लोग सिंक्रोनस सर्किट, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। जबकि जो एसिंक्रोनस सर्किट्स होते हैं, ये इनपुट के चेंज होने से ही इसका स्टेट चेंज होता है। तो ये डिफरेंस है। थोड़ा सा और हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं कि सिंक्रोनस सर्किट क्या है। सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, ये देखो इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, यहाँ पे डिजिटल स्टोरेज मतलब मेमोरी एलिमेंट आ गया, एंड एट द सेम टाइम देयर इज ए क्लॉक। सो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस सर्किट। सिंक्रोनस सर्किट पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। इन सिंक्रोनस सर्किट्स द इनपुट्स आर पल्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन पल्स विड्थ एंड प्रोपगेशन डिले। Thus, synchronous circuits can be divided into clocked and unclocked or pulse sequential circuit. Synchronous circuit को भी further divide किया जा सकता है clocked, unclocked, मतलब जिसमें clock है उसमें clock नहीं है। और इसमें होता क्या है बोला, the input are pulses with certain restriction on pulse width and propagation, मतलब कुछ हम input दे रहे हैं वो एक तरह से सोचो कुछ टाइम के लिए दे रहे हैं पल्स, जैसे जैसे पल्स हम लोग देखते हैं कैसे चेंज होता है टाइम के साथ, कुछ टाइम इंटरवल है। तो ऐसे ही बोले कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शन मीन्स पल्स विड्थ, मतलब कितना बड़ा पल्स है, और कैसे प्रोपगेशन डिले क्या है उसका। प्रोपगेशन डिले क्या चीज होता है कि जब हम कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है ट्रांसफर करने में, वो कितना लगता है ये प्रोपगेशन डिले है। हम लोग इसको आगे एग्जांपल से समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आए। तो अभी ये समझ में आया कि सर्किट्स जो होते हैं ये सिक्वेंशियल सर्किट्स, ये दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। और सिंक्रोनस में भी बात में बोल रहे हैं कि ये भी दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हम लोग क्लॉक लगाते हैं और एक अनक्लॉक, क्लॉक अनक्लॉक, मतलब जो इसके पल्स है एक पल्स फॉर्म में इसका इनपुट देते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्चुअली धीरे धीरे जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन यहाँ पे हमको ये सब टर्म्स इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। अगर हम अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आगे समझने में मुश्किल होगा। बट वंस यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स इन अ बेटर वे। तो अभी बाद में और बेहतर तरीके से ये सब समझ में आएगा। तो क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? द क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स हैव फ्लिप फ्लॉप्स आर गेटेड लैचेस। जैसे कल मैं तुम लोग को बोला था कि हम लोग फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, और फिर आज मैं सिलेबस दिखाया उसमें भी कई सारे बजागा फ्लिप फ्लॉप आया। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है फ्लिप फ्लॉप और गेटेड लैचेज, मतलब इनको लैचेज भी बोलते, लैच भी बोलते, लैच फॉर इट्स मेमोरी एलिमेंट। तो जो क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इसमें फ्लिप फ्लॉप लगा होता है मेमोरी एलिमेंट के लिए। ठीक है, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट मेमोरी एलिमेंट। तो मेमोरी एलिमेंट है क्या? मेमोरी एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप, या उसको लैच भी बोलते हैं। देर इज ए पीरियोडिक क्लॉक कनेक्टेड टू क्लॉक इनपुट। तो ये क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें क्लॉक लगा है। क्लॉक मतलब कुछ एक पीरियड के साथ, मतलब जैसे हम लोग पल्स बोल रहे हैं, ऐसे एक डिफिनेट पीरियड है उसके साथ उसमें एक सिग्नल दे रहा है। तो क्लॉक कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट्स ऑफ ऑल द मेमोरी एलिमेंट ऑफ सर्किट टू सिंक्रोनाइज ऑल द इंटरनल चेंजेस ऑफ स्टेट। ठीक है, क्लॉक का इसमें कुछ मतलब समझ में आना चाहिए
कि क्या करता है कि मेमोरी एलिमेंट के इनपुट्स में जुड़ा है और वो सिंक्रोनाइज करता है सर्किट को। जब कुछ स्टेट चेंज होता है तो सब चीज उसी के साथ क्लॉक के साथ चेंज हो। तो ये सिक्वेंशियल सर्किट है, यहाँ पे ये इनपुट दिया है, ये आउटपुट दिया है, यहाँ पे क्लॉक पल्स देते हैं। क्लॉक पल्स एक टाइम इंटरवल के साथ साथ पल्स जैसे आ रहा है, एंड देन इसी के साथ वो स्टेज इसकी चेंज कर रहा है, और वो स्टेज जो चेंज कर रहा है उसी को हम लोग क्लॉक से सिंक्रोनाइज करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज करते हैं। फिर से अब इसको अब फिर से एक बार समझें तो ज्यादा अभी फिर से समझ में आएगा। क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट है फ्लिप फ्लॉप और गेटेड लैच फॉर इट्स मेमोरी एलिमेंट, एंड देर इज ए पीरियोडिक क्लॉक कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ ऑल द मेमोरी एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट टू सिंक्रोनाइज ऑल द इंटरनल चेंजेस ऑफ द स्टेट। हेंस द ऑपरेशन ऑफ सर्किट इज कंट्रोल्ड एंड सिंक्रोनाइज बाई पीरियोडिक पल्स ऑफ द क्लॉक। तो ये समझ में आया कि क्लॉक का रोल क्या है, मेमोरी एलिमेंट का रोल क्या है कि वो मेमोरी स्टोर करता है, क्लॉक क्या करता है ये सिंक्रोनाइज करता है इसको, और जो इनपुट है वो मेमोरी एलिमेंट ऑफ इट कनेक्टेड टू द क्लॉक इनपुट्स ऑफ ऑल द मेमोरी एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट टू सिंक्रोनाइज इंटरनल चेंजेस ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट, और ये सिंक्रोनाइज करने का काम करता है क्लॉक, और मेमोरी एलिमेंट मेमोरी स्टोर करता है। सो दिस इज वन थिंग। देन अनक्लॉक क्या है, जब क्लॉक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग एक बार समझें। तो इन एन अनक्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट रिक्वायर्स टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रांजिशन बिटवीन 0 एंड 1 टू अल्टरनेट द स्टेट ऑफ सर्किट। इसमें क्लॉक नहीं लगा है, लेकिन क्या करता है ये, कुछ ऐसे ट्रांजिशन बोल रहा है कि इट रिक्वायर्स टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रांजिशन बिटवीन 0 एंड 1। 0 1 दो स्टेजेस होते हैं, तो उसके बीच में ये कॉन्जिक्यूटिव ट्रांजिशन चाहता करना पड़ेगा इसमें, टू अल्टरनेट द स्टेट ऑफ सर्किट। एंड अनक्लॉक्ड मोड सर्किट इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू पल्सेस ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन व्हिच डू नॉट अफेक्ट द सर्किट बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग क्लॉक नहीं लगा रहे, पिछले में क्लॉक लगा था तो क्या कर रहा था, इसके जितना मेमोरी एलिमेंट है उसके जो इनपुट सिस्टम है वहां पे क्लॉक था, और क्लॉक से हम पूरे सर्किट को सिंक्रोनाइज भी कर रहे थे। जब क्लॉक चेंज कर रहे थे तो ये चेंजेज स्टेट। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जहाँ पे हमको क्लॉक का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ये सब चीजें कुछ ऐसा नहीं कि बाहर से आया है, ये जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, इट इज लाइक व्हेन वी हैव समथिंग एंड वी नीड सम सर्किट टू डू दैट जॉब, देन वी क्रिएट इट। तो ये सब चीजें ऐसे बनाया जाता है जरूरत के हिसाब से, ऐसे नहीं कि क्लॉक एक में लगा एक में नहीं लगा। तो क्लॉक क्यों नहीं लगाया, क्यों लगाया, उसके अपने एप्लीकेशन है। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एकदम बेसिक से सीख रहे हैं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग सिक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या है। तो इसलिए हम लोग एक तरह से समझना शुरू किए, पहले कॉम्बिनेशन सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस देखा, एंड देन वी टॉक्ट अबाउट सिक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या है, फिर वो कितने तरह के होते हैं, फिर उसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, और सिंक्रोनस में फिर क्लॉक्ड एंड अनक्लॉक्ड का बात कर रहे हैं। तो ए अनक्लॉक मोड सर्किट इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू पल्सेज ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन विच डू नॉट रिफ्लेक्ट द सर्किट बिहेवियर। मतलब कभी कुछ ऐसा है जिसमें पल्सेज अपना अलग अलग ड्यूरेशन के भी आ रही, तो उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं इस सिक्वेंशियल सर्किट से, बट सर्किट का बिहेवियर वो क्लॉक पल्स, वो जो पल्सेज है जो इनपुट में हम दे रहे हैं अलग तरीके से विदाउट पुटिंग आवर क्लॉक देयर, इसको हम लोग वो सर्किट के बिहेवियर को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो द सिंक्रोनस लॉजिक सर्किट इज वेरी सिंपल। द लॉजिक गेट विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द डेटा रिक्वायर ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द इनपुट। तो जो प्रोपगेशन डिले का हम लोग बात कर रहे थे,
वो भी एक तरह से यहाँ पे बात हो रहा है कि सिंक्रोनस सर्किट सिंपल है बोल रहे, एंड द लॉजिक गेट विच परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ डेटा रिक्वायर ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इनपुट। जब हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे इनपुट में हमने कहीं पे चेंज किया, 0 से 1 किया, तो आउटपुट में वो चेंज रिफ्लेक्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। जो ये टाइम लगेगा, इसी को हम लोग प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। प्रोपोगेशन डिले मतलब उसका एक प्रोसेसिंग में जो टाइम है, टाइम बहुत कम होता है, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस व्हेन वी आर डिजाइनिंग सर्किट्स एंड ऑल। तो ये दो चीजें समझ में आए। देन वी टॉक्ड अबाउट सेकेंड क्लास ऑफ, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट सेकेंड क्लास ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। सिक्वेंशियल सर्किट में हम लोगों ने पहले सिंक्रोनस सर्किट का बात किया। सिंक्रोनस में दो तरह के सर्किट का बात किया, एक क्लॉक्ड एक अनक्लॉक्ड। फिर जो दूसरा है एसिंक्रोनस सर्किट, वो क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। इनसिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस सर्किट does not require a clock signal to synchronize its internal changes of the state. तो इसमें बोल रहा है क्लॉक का जरूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड टू क्लॉक टू सिंक्रोनाइज, क्योंकि सिंक्रोनाइज करने का इसमें जरूरत नहीं है, सिंक्रोनस है। हेंस द स्टेट चेंज अकर इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू चेंज दैट अकर इन प्राइमरी इनपुट लाइन्स। तो जो प्राइमरी इनपुट में हम लोग कुछ चेंज करेंगे, उसी से चेंज होगा, कोई क्लॉक उसको डिसाइड नहीं कर रहा है चेंज। एंड एसिंक्रोनस सर्किट डज नॉट रिक्वायर द प्रिसाइज टाइमिंग कंट्रोल फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें टाइमिंग का ऐसे कंट्रोल नहीं चाहिए। ये शायद अभी मुझे लगता है कि यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज एसिंक्रोनस सर्किट, एंड देन उसका जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है हम लोग को मोटा मोटा तौर पे समझ में आना चाहिए। ये सब चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अभी हम लोग सिंक्रोनस या सिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे, और फोर्थ यूनिट में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। सो एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू नो दैट सिक्वेंशियल सर्किट्स आर डिफरेंट देन कॉम्बिनेशनल सर्किट बिकॉज दे हैव एन मेमोरी एलिमेंट एंड क्लॉक। क्लॉक मीन्स कुछ टाइमिंग का रोल हो गया। फिर हम लोगों ने बात किया कि सिक्वेंशियल सर्किट्स डिफरेंट होते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट से, और ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। फिर सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन देखा, एक क्लॉक्ड एक अनक्लॉक्ड। तो क्लॉक्ड जो होता है उसमें क्लॉक उसका जो इंटरनल चेंजेस है स्टेट का, वो उसको एक तरह से क्लॉक से सिंक्रोनाइज करते हैं। हम लोग क्लॉक पल्स देते हैं एंड देन वी चेंज दिस न्यू स्टेज, और न्यू स्टेट को चेंज करके उसको हम उसके साथ पूरे सर्किट को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। और कहीं कहीं जो अनक्लॉक सिंक्रोनस सर्किट्स है वो क्या करते हैं, वो उसमें भी टाइम पल्स है, पल्स क्लॉक पल्स इनपुट में रहता है, बट इट डजेंट अफेक्ट इट्स वर्किंग, और ये एक्सटर्नल जैसे होता है बाहर से। और एसिंक्रोनस सर्किट है जिसमें क्लॉक पल्स का जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। सो इट डजेंट नीड एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, इट डजेंट नीड ए क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज इंटरनल चेंज, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है इनपुट में हम कुछ चेंज करते हैं, और टाइमिंग कंट्रोल इतना इसमें जबरदस्त तरीके से नहीं होता। सो एक मोटा मोटे तौर पे क्लासिफिकेशन समझ में आया। नाउ लेट अस मूव फर्दर। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा तो बोला था सिंक्रोनस सर्किट इजी है डिजाइन करना, सिंक्रोनस लॉजिक इजी है। और एसिंक्रोनस में देखो क्लॉक भी नहीं लगाया, फिर भी बोल रहे एसिंक्रोनस लॉजिक इज मोर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इट हैज सम प्रॉब्लम्स कंपेयर टू सिंक्रोनस लॉजिक। तो सिंक्रोनस जो है डिजाइन करना इजी है, बट एसिंक्रोनस इजी नहीं है। जिस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है, जबकि
सिंक्रोनस में देख रहे हैं क्लॉक लगा है और एसिंक्रोनस में क्लॉक भी नहीं है, तो इट शुड बी सिंपलर, बट इट इज नॉट. व्हाई इट इज नॉट सिंपल? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या कहते हैं, द मेन प्रॉब्लम इज दैट, मेन प्रॉब्लम मीन्स किसके साथ प्रॉब्लम है, एसिंक्रोनस लॉजिक जो डिफिकल्ट है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है सिंक्रोनस लॉजिक के कंपेरिजन में, दैट द डिजिटल मेमोरी इज सेंसिटिव टू द ऑर्डर दैट देयर इनपुट सिग्नल्स अराइव देम, लाइक इफ टू सिग्नल्स अराइव एट फ्लिप फ्लॉप एट द सेम टाइम व्हिच स्टेट द सर्किट गोज इनटू कैन डिपेंड ऑन व्हिच सिग्नल गेट टू द लॉजिक गेट फर्स्ट. तो एक प्रॉब्लम ये लोग बता रहे हैं कि इसमें जो मेमोरी एलिमेंट है, मतलब डिजिटल मेमोरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो फ्लिप फ्लॉप लगा रहे हैं मेमोरी कंपोनेंट, ये बोल रहे हैं कि ये सेंसिटिव है उसके कि किस ऑर्डर में इसको हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब इसके पहले इनपुट क्या था, इसके बाद में इनपुट क्या है, ये ऑर्डर मैटर करता है. तो अगर हम दो सिग्नल फ्लिप फ्लॉप पे एक ही टाइम पे भेज दे तो क्या होगा, जो सिग्नल पहले मिलेगा उस लॉजिक गेट को उसको पहले प्रोसेस करेगा और जो बाद में मिलेगा उसको बाद में प्रोसेस करेगा. मतलब इफ यू सेंड एट द सेम टाइम देन आल्सो इट हैज टू डू समथिंग, सो इट कैंट, मतलब किसी में भी ऐसे कहे कि डिजिटल मेमोरी इज सेंसिटिव टू द ऑर्डर टू दैट इनपुट सिग्नल्स अराइव देम, लाइक इफ टू सिग्नल्स अराइव एट फ्लिप फ्लॉप एट द सेम टाइम व्हिच स्टेट ऑफ सर्किट गोज दैट इट कैन डिपेंड ऑन व्हिच सिग्नल गेट द लॉजिक गेट फर्स्ट. फिर बात कर रहे हैं कि ये यूज कहाँ होता है. ऐसा है, एसिंक्रोनस सर्किट्स आर यूज इन क्रिटिकल पार्ट ऑफ सिंक्रोनस सिस्टम. ठीक है कि ये एसिंक्रोनस सर्किट्स है, दे आर यूज इन क्रिटिकल पार्ट ऑफ सिंक्रोनस सिस्टम वेयर द स्पीड ऑफ सिस्टम इज अ प्रायोरिटी, लाइक ए माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट. तो इनका कहाँ यूज होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं हम लोग. इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जब हम लोग काउंटर्स पढ़ेंगे. और अभी ये समझ में आ रहा है कि सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दो तरह का होता है, और सिंक्रोनस में क्लॉक चाहिए, एसिंक्रोनस में क्लॉक नहीं चाहिए. और सर्किट जो इनपुट देते हैं उसी से डायरेक्टली अफेक्टेड होता है उसका आउटपुट. एंड बट सिंक्रोनस सर्किट डिजाइन करना ईजी है, बट एसिंक्रोनस डिफिकल्ट है. इसमें कुछ प्रॉब्लम ये भी, एक मेन प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि ये ऑर्डर के साथ, ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्डर में दे रहे हैं. इसलिए क्लॉक जैसा रहता है तो क्लॉक क्या करता है, जब क्लॉक चेंज करते हैं तो इनपुट में चेंज होता है और उसी के साथ पूरा सर्किट सिंक्रोनाइज होता है. बट एसिंक्रोनस सर्किट में ऐसा नहीं है, वहां पे इनपुट में जो कुछ चेंज हो रहा है उसी से वो देखता है. क्लॉक इज नॉट देयर टू सिंक्रोनाइज थिंग्स, और प्रॉब्ली वी डोंट नीड ए सिंक्रोनाइजेशन हियर. अगर हमको सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता तो इसको क्यों बनाते. तो प्रॉब्ली वी नीड इट लाइक दैट. तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा कब चाहिए होता है, जब हमको वेयर द स्पीड ऑफ सिस्टम इज ए प्रायोरिटी, व्हेन वी आर मोर कंसर्न अबाउट स्पीड देन एसिंक्रोनस सर्किट आर यूज. ठीक है, कहाँ यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट में. माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है इसको अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में. देन नाउ नेक्स्ट वीक कम टू दिस मेमोरी एलिमेंट. मेमोरी एलिमेंट हम लोग बहुत बार बात कर रहे हैं मेमोरी एलिमेंट का, और फ्लिप फ्लॉप बोल रहे हैं. तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, मेमोरी एलिमेंट क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने जो बेसिक्स सीखा है उसी से इसको समझने का जरूरत होना चाहिए. मतलब जैसे कुछ हम लोगों ने डिफिनीशन डिफाइन किया, क्लासिफिकेशन दिया, दीज आर न्यू वर्ड्स फॉर यू ऑल्सो. तो उसको हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे, लेकिन अभी तक जो हम लोग पहले से जानते हैं उसको लेके इसको समझना थोड़ा सा ईजी रहेगा. सो फ्लिप फ्लॉप होता क्या है और फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, तो लेट्स रीड दिस.
Flip-flop is a sequential circuit which samples the input and changes the output at a particular instance of time. It has two stable states and can be used to store the state information. तो इसमें क्या हुआ, दो स्टेबल स्टेट है. जैसे कोई भी चीज है, इफ यू हैव समथिंग दैट कैन बी प्लेस्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस, जहां पे वो स्टेबल तरीके से रहेगा. तो जब एक जगह रख देंगे तो एक मेमोरी की तरह यूज हो गया. तो यही इसमें एक फैक्टर है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप कैन बी यूज एज ए मेमोरी स्टोरेज, एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है. तो इसका आउटपुट या तो जैसे बोल रहा है कि इसमें दो स्टेज हो सकता है, दो स्टेट है जो स्टेबल है, तो या तो इसमें होगा या तो उसमें होगा. तो जिसमें है उसी से कुछ मेमोरी जैसा चीज को समझने का कोशिश करते हैं. सो इट हैज टू स्टेबल स्टेट्स एंड कैन बी यूज टू स्टोर द स्टेट इंफॉर्मेशन. एक स्टेट में क्या है उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है वो जब उस स्टेट में है, फिर जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो पहले स्टेट की इंफॉर्मेशन को भूल जाएगा. So that way it can store some information. Then signals are applied to one or more control inputs to change the state of the circuits and will have one or two outputs. क्या मतलब है इसका? Signals are applied to one or more control input to change the state of circuit and will have one or two outputs. ठीक है. इट इज द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इन सिक्वेंशियल लॉजिक. जो हम लोग मेमोरी एलिमेंट बोल रहे हैं, स्टोरेज एलिमेंट बोल रहे हैं, वो यही फ्लिप फ्लॉप है. एंड फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. सो ये भी बहुत फंडामेंटल चीज हो गई, क्योंकि हर जगह देखो मेमोरी है. मेमोरी इज देयर फॉर लॉट ऑफ डिवाइसेज वी आर यूजिंग. तो इसलिए ये बहुत फंडामेंटल यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक भी है, बहुत सारा चीजें इसी से मिलके बना है. तो हम लोग जो फ्लिप फ्लॉप सीख रहे हैं ये बहुत फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए शायद हम लोग के सिलेबस में इसको रखा गया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है बहुत सारे डिजिटल सिस्टम्स का. सो दे कैन बी यूज टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द फंक्शनैलिटी ऑफ सर्किट. तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप हम लोग को इतना डिटेल में क्यों पढ़ना है, ये शायद अगर हम लोग इसको इस ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको समझेंगे देन यू हैव एन आइडिया कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट.